नेटफ्लिक्स पे 9 फरवरी को भक्षक नाम की एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म का अभी सिर्फ टीजर ही रिलीज किया गया है और कल यानी 31 जनवरी को इसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा। फिल्म की टाइमिंग करीब 2 घंटे 14 मिनट की है। तो शो में भूमि पडनेकर विशाली सिंह नाम की रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही है और इस फिल्म की कहानी भी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें एक चाइल्ड सेंटर होम में लड़कियों के साथ गलत हरकतों की रिपोर्ट सामने आती है और इसी मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल होते हैं। इसके डायरेक्टर हैं पुलकित, जिन्होंने 2017 में मरून फिल्म और 2017 में ही बॉस डेड अलाइव सीरीज में काम किया है। तो अब बात करते हैं भूमि पडनेकर की हाल ही में रिलीज हुई कुछ और फिल्मों के बारे में। 2023 में भीड़, अफवाद, थैंक यू फॉर कमिंग एंड दी लेडी किलर फिल्म रिलीज हुई, जिसमें भीड़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 3.33 करोड़ का कलेक्शन किया और वहीं 45 करोड़ में बनी थैंक यू फॉर कमिंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 9.64 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ दी लेडी किलर फिल्म भी फ्लॉप रही, जिसे 45 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 1 लाख का कलेक्शन किया। तो इसी तरह की मूवीज और सीरीज अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।